सो हे गाइस, मेरा नाम लवको, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो देखिए गाइस, ये खबर आपको लगी गई होगी कि पबजी बैन इन इंडिया। तो हाँ गाइस, पबजी बैन हो चुका है इंडिया में, और बहुत से लोग कह रहे हैं पबजी बैन क्यों हुआ और क्या फ्री फायर भी बैन होगा। सारा कुछ आज के वीडियो में आपको क्लियर करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना भाई। देखिए यार, मुझे सपोर्ट करो यार, वीडियो को लास्ट तक देखा करो, जिससे यार वीडियो मेरी जो यूट्यूब सर्च में भेजेगा, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच किया करो। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, पबजी टेंसेंट कंपनी का गेम था जो कि चाइनीज़ कंपनी थी। तो गाइस देखिए, आपको पता ही है कि जो अभी इंडिया और चाइना के बीच क्या चल रहा है। तो जो है पबजी और 118 ऐप विद पबजी बैन हो चुके हैं इंडिया में। तो ढेर सारे लोगों का यह डाउट है ये क्यों बैन हुआ। तो भाई साहब, सरकार इसका रीज़न एक ही बात बता रही है, सिक्योरिटी रीज़न। हाँ गाइस, कहीं जो है चीन वाले हमारा जो डेटा लीक ना कर लें हमारी इंडिया का, इसलिए सिक्योरिटी रीज़न के कारण ये पबजी है वो इंडिया में बैन कर दिया गया है। बहुत से लोग कह रहे हैं अभी भी प्ले स्टोर पर है, तो बहुत से लोग कह रहे हैं हमारे मोबाइल में अभी भी चल रहा है। तो यार, कुछ एक दो दिन बाद प्ले स्टोर से और मोबाइल से आपका जो पबजी गेम, अगर आप पबजी खेलते हो, तो वो हट जाएगा। और देखिए गाइस, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि पबजी वापस आएगा, तो देखिए भाई, इसके कोई भी चांस नहीं है। हाँ, हालांकि ये कोर्ट में केस वगैरह हो सकता है, तो उससे मतलब आ भी सकता है। वैसे बहुत चांस कम है कि पबजी वापस आ जाए, लेकिन आ भी सकता है भाई, इसका कोर्ट वगैरह में वो केस वगैरह चल सकता है। अब बात करने वाले हैं फ्रेंड्स फ्री फायर के बारे में। तो देखिए गाइस, बहुत से लोगों के मन में ये भी डाउट आ रहा है, भाई हमारा फ्री फायर भी गया। तो भाई साहब, फ्री फायर के बारे में मैं न्यूज़ लेकर आ चुका हूँ कि देखो, फ्री फायर वैसे तो सिंगापुर का गेम है, लेकिन ये अपने 27% टेंसेंट को ये देता है, पार्टनरशिप है टेंसेंट और इसकी, और 27 ये शेयर करता है टेंसेंट को जो भी ये कमाता है। तो देखिए क्या, टेंसेंट चाइना गेम है, तो यार किसी तरह से हमारा इसका भी कुछ ना कुछ चाइना को ही जा रहा है। तो यार, फ्री फायर भी बैन हो सकता है अगर आगे कोई भी ये मतलब सिक्योरिटी रीजन के मामले में कोई भी फॉल्ट निकलता है फ्री फायर का, तो ये भी बैन भाई हो सकता है। मैं ये आपको बात बता रहा हूँ, मैं फ्री फायर लवर हूँ, फ्री में बता रहा हूँ, क्योंकि जो बात रियल है वो रियल है भाई। तो गैस, अगर फ्री फायर बैन होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो गरीना कंपनी है वो टेंसेंट को अलग कर देगी और एक कंपनी हो जाएगी, और पैसे वगैरह दे देगी टेंसेंट को, तो उससे मतलब इसको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और हाँ, जो इसका जो डेटा है फ्री फायर का, वो इंडिया में ही स्टोर होता है, वो बाहर नहीं जाता, तो इससे मतलब बहुत ही कम चांस हैं कि जो फ्री फायर इंडिया में बैन होगा। तो गैस, आज के वीडियो में बस इतना ही था। मैं समझ सकता हूँ आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो जब तक कि फ्रेंड्स, बाय बाय। और भाई, फ्री फायर वालों, दिक्कत मत लो यार, नहीं बैन होगा। बैन होगा तो यार हम भी अपनी इंडिया के साथ हैं, कुछ भी हमारी सरकार कुछ भी करे, हम उसके साथ हैं। बैन होगा तो होने दो भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड वालों, अबे कुछ नहीं हुआ भाई, एक ही गेम तो गया है, आ जाएगा भाई, दिक्कत मत लो। नहीं आया तो क्या हुआ, ढेर सारे गेम है, उनको प्ले कर लो। तो यार, आज के वीडियो में बस इतना ही था। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।